जय हिंद एवरी वन एंड ह्योर वी आर वंस अगेन विद अव इकोनॉमिक्स क्लास एंड इन अवर लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये सब हमने बेसिक इंट्रो के तौर पर पढ़ लिया था नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज The proper definition of non economic activity, first of all, it is given here these are the activities which have no economic aspects or are not concerned with money or wealth. Okay, for example, सोशल एक्टिविटीज़ रिलीजियस एक्टिविटीज़ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर उस दिन लेक्चर में समझाई भी थी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सॉरी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कि हमारा मनी मरनिंग मनी अर्निंग मोटिव नहीं होता है ठीक है जो कि मनी या वेल्थ से कहीं पर भी इंटेंशनली कनेक्टेड नहीं होती हैं अब कनेक्टेड नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भिखारी को पैसा मतलब मनी uh, डो Do, डोनेट कर रहे हैं तो वो डोनेशन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई कि जी मनी इंक्लूडेड था मनी अर्निंग हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए उसमें कहीं हमारा प्रॉटी प्रॉफिट मोटिव नहीं दिखना चाहिए तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है फॉर एग्जांपल के एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मैंशन है सोशल एक्टिविटीज़ है जैसे कि आप कल्चरल एक्टिविटीज़ पिकनिक जा रहे हैं पार्टीज़ जा रहे हैं मैरिज अटेंड करते हैं तो ये सारी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई जैसे मंदिर में जा रहे हो वहाँ पर आप पूजा कर रहे हो दान चढ़ा रहे हो तो ये सारी आपकी नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई चैरिटेबल में डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट कर रहे हो फ्री मेडिकल एड्स दे रहे हो जैसे आजकल कोविड नाइन्टीन का जो ये एपिडेमिक्स uh, आया हुआ है इसमें आप क्या कर रहे हो आप कुछ आप या आपके फैमिली वाले कुछ डोनेट कर रहे हैं फूड आइटम्स दे रहे हैं बाहर कहीं किसी को तो ये सारी डोनेशन जो है वो क्या हो जाएगी आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी में आएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ये ठीक है इसके अलावा पेरेंटल एक्टिविटी में आपकी मदर आपके लिए प्यार से खाना बना रही हैं आपके फ़ादर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सब पेरेंटल एक्टिविटीज़ में आ रहा है ठीक है और ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के इसके जस्ट आगे आप प्रोसीड करोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें आ जाता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाई डिफ़रेंट पीपल फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल्स लॉयर्स ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि अपने अलग अलग लोग जो कि अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर वो काम कर रहे हैं और वो काम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मनी अर्न कर सकें उससे कुछ ना कुछ वो पैसा कमा सकें तो यहाँ क्या आ गया मनी अर्निंग मोटिव आ गया आपका प्रॉफिट अर्निंग ठीक है सो एज टू अर्न देअर लिविंग लिवलीहुड अर्न करने के लिए जो भी काम आप कर रहे हो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जा रहा है ठीक है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दैट एक्टिविटी विच इज़ बेस्ड ऑन और रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्कैस रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स ठीक है इनको आप क्लासिफाई कर सकते हो देखो ये फॉलोइंग फाइव मैनर में आप क्लासिफाई कर सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्स्ट वन हो गया प्रोडक्शन देन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट ऑल द फाइव टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो पहले ले लीजिए प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा प्रोडक्शन क्या होता है production is that economic activity which is concerned with increasing the utility or value of goods and services. once again i will repeat this definition or dhyan says ga because you have to write this definition in your notes also and uh, whenever the school will reopen for sure i will check the notes is chapter ke notes uh, देखिए एक चीज़ क्लियर आउट है कि ये जो टाइम जा रहा है ये वापस नहीं आना है तो जो टॉट पोर्शन जो कवर अप किया जा रहा है इसमें वो हम रिपीट भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इसलिए फोकस्ड होकर इन ऑनलाइन जो भी क्लासेज हैं इनको अटेंड करिए और जो भी डाउट्स हैं उनको क्वेश्चन किया करिए पुटअप किया करिए डेफिनेशन में एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ और प्लीज़ इसको नोट्स में अपने मेंशन कर लीजिएगा प्रोडक्शन की डेफिनेशन है प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद इंक्रीजिंग द यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस फॉर एग्जाम्पल मैनुफैक्चरिंग शर्ट विद द हेल्प ऑफ क्लोथ एंड टेलरिंग एसेक्ट्रा इज इन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन अब यहाँ प्रोडक्शन हम शर्ट का कर रहे हैं उसमें जो टेलर जो सिलाई कर रहा है वो अपने खुद से कपड़ा ख़रीद कर सिल रहा है तो फॉर श्योर उसका बिजनेस है वो फिर उससे वो प्रॉफिट अर्न करेगा अगर वो किसी की फैक्ट्री में काम एज अ वर्कर जाकर काम कर रहा है तो उसके लिए वो क्या करेगा वेजेस लेगा अपने कुछ मजदूरी लेगा या सैलरी लेगा जो भी है ठीक है तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्स्ट टाइप प्रोडक्शन जहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही हैं चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है नदी के किनारे से सैंड लेकर आ रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड फ्रॉम रिवर बैंक नदी के किनारे से रेत आप लेकर आ रहे हो और उस रेत से फिर आगे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये क्या है प्रोडक्शन ऑफ सैंड हो गया आपका ठीक है इसके अलावा आप क्या कर रहे हो गुड्स और जो भी पर्सन है उनको आप इधर से उधर थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ भी यूटिलिटी का क्रिएशन हो रहा है तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन ठीक है प्रोडक्शन का मतलब नई चीज़ों को बनाना ठीक है नई चीज़ों को चीज़ से मतलब गुड्स गुड्स क्या होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है जिनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है जिनको कोई ख़रीदने के लिए तैयार है और जिसकी किसी को ज़रूरत है तो ये क्या हो गए आपके गुड्स हो गए ऐसी गुड्स और सर्विसेज को बनाना मतलब क्रिएट करना और किस लिए क्रिएट करना ताकि उससे हम पैसा जो बना रहा है वो पैसा कमा सके और जो उसको कंज्यूम कर रहा है जो उसको ख़रीद रहा है उसकी ज़रूरत पूरी हो सके ये हो गई आपकी प्रोसेस प्रोडक्शन की ठीक है अब कंजम्पशन आ जाइए कंजम्पशन क्या होता है कंजम्पशन होता है आपका हियर इट इज़ गिवन कंजम्पशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स यानी कंजम्प्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि किससे कनेक्टेड है गुड्स और सर्विसेज से कनेक्टेड है कैसे गुड्स और सर्विसेज को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं जब उसका यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो होती है हमारी कंजम्पशन ठीक है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन अटेन करना अचीव करना किसी भी गुड्स या सर्विसेज से अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा इसका एग्ज़ाम्पल एक चॉकलेट ले लीजिए चॉकलेट आपके फादर लेकर आ रहे हैं दुकान से शॉप से ठीक है तो वो ख़रीदे वहाँ पर वो कस्टमर हुए वो उसके कंज्यूमर नहीं हुए क्योंकि वो ख़रीद कर ला कर खुद नहीं खा रहे हैं है ना? तो वो क्या कर रहे हैं खरीद कर ला रहे हैं ही इज़ अ कस्टमर ही इज़ नॉट अ कंज्यूमर ठीक अब खरीद कर ला कर उन्होंने वो चॉकलेट आपको घर पर दे दी खाने के लिए अल्टीमेट जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन है चॉकलेट खाने की जो संतुष्टि है वो किसको मिली आप लोगों को मिली क्यों क्योंकि उस चॉकलेट को कंज्यूम आपने किया उस चॉकलेट को खाया आपने तो ये जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन लेने का जो एक प्रोसेस है ये क्या कहलाता है कंजम्पशन गुड्स या सर्विसेस से अब इसी को और एक एग्ज़ाम्पल से टीचर मैं हूँ स्टूडेंट आप हैं पढ़ आप रहे हैं फीस आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं ठीक है थीके? लेकिन यहाँ पर मैं ये सर्विसेज के कंजम्पशन का एग्जांपल दे रही हूँ क्या यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो आपके पेरेंट्स के थ्रू किया जा रहा है भाई फ़ीस तो वो दे रहे हैं तो कस्टमर तो वही हुए लेकिन क्या वो आ, कंजम्पशन पेरेंट्स के थ्रू किया जा रहा है नहीं कंजम्पशन डायरेक्ट कंजम्पशन कहाँ हो रहा है या डायरेक्ट सेटिसफेक्शन कहाँ मिल रहा है बच्चों को मिल रहा है अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ही तो कंप्लेन करोगे स्कूल मैनेजमेंट को दैट मैम इज़ नॉट टीचिंग इकोनॉमिक्स प्रॉपरली है ना तो ये क्या है आपका डायरेक्ट सेटिसफैक्शन आपको मिल रहा है तो आप सेटिस्फाइड हो आप उसको बोलोगे कि मैम ने ये अच्छे से पढ़ाया नहीं मिलेगा वो सैटिस्फेक्शन देन फॉर श्योर मेरी सर्विसेज कहीं ख़राब हैं शायद और आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करोगे ठीक है तो ये हुआ क्या कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज़ इसके पहले चॉकलेट का एग्जाम्पल था कंजम्पशन ऑफ गुड्स ठीक तो ये हो गई सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ना थर्ड वन इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में जो चीज़ें सॉरी जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं हमारी इन्वेस्टमेंट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी हियर यू कैन सी इट क्लियरली इन्वेस्टमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ़ कैपिटल गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक अब यहाँ प्रोडक्शन से ये इन्वेस्टमेंट अलग हो जा रही है कैसे अलग हो जा रही है प्रोडक्शन वर्ड तो यहाँ पर भी आ रहा है फिर ये अलग कैसे है अलग इसलिए है कि प्रोडक्शन में हम वो चीज़ों को बना रहे थे जिनको कि आगे क्या किया जा सके कंज्यूम किया जा सके सेटिसफेक्शन ली जा सके ठीक है और वैल्यू या गुड मतलब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू में कुछ ऐड ऑन हमने किया तो वो कहलाया हमारा प्रोडक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल गेहूँ है गेहूँ आपका नेचुरल प्रोडक्ट है किसान ने उगाया तो वो उसका प्रोडक्शन है अब उसको आप इसका आटा बना दे रहे हो उसकी यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है ना तो ये यूटिलिटी जो आपने इनक्रीज़ की ये आपकी प्रोडक्शन कहलाई ठीक है अब इन्वेस्टमेंट से अलग कैसे है इन्वेस्टमेंट से अलग ऐसे है कि भाई इन्वेस्टमेंट में आप कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो ऐसे सामानों का प्रोडक्शन कर रहे हो ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो जिनको आप बहुत लंबे समय तक आगे यूज़ करने वाले हो ठीक है इन्वेस्टमेंट वही तो होती है इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट वो प्रोसेस है जहाँ पर आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो या मनी को लगा रहे हो ताकि एक लंबे समय तक उससे हम यूटिलिटी ले सकें उसको हम यूज़ कर सकें ठीक है तो ये होती है आपकी इन्वेस्टमेंट अब इसका एग्ज़ाम्पल आप ले लो एक प्रिंटिंग प्रेस है उसका जो आपका प्रिंटिंग प्रेस से न्यूज़पेपर निकल रहा है जिससे कि कंज्यूमर्स की डेली न्यूज़ पढ़ने की जो एक नीड है उसको आप सेटिस्फाई कर रहे हो ठीक है लेकिन इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मेन इक्विपमेंट क्या है वो प्रिंटिंग प्रेस है ना और वो प्रिंटिंग प्रेस क्या ऐसा है कि हम रोज़ खरीदते हैं प्रेस को फिर रोज़ हम उस मशीन से अखबार जो है न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट करते हैं और फिर उसके बाद वो, वो मशीनरी हमारी यूजलेस हो जाती है देन अगेन वी हैव हाँ टू तो परचेज अ न्यू वन ऐसा तो नहीं होता क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं एक बार इन्वेस्ट करते हैं एक भारी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छी मशीनरी खरीदते हैं जिसको एक लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ये क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट है ठीक है नेक्स्ट वन आ गया एक्सचेंज एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि सेल और परचेज से रिलेटेड है जैसे एक होल सामान रखता है अपने पास किस लिए रखता है इसलिए नहीं रखता कि एक एक यूनिट वो बेचेगा कस्टमर को इसलिए रखता है कि वो रिटेल शॉपकीपर्स को उस सामान को आगे रीसेल कर सके और उसे प्रॉफिट मिल सके ठीक है तो ये हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिटर्मिनेशन, विच डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके हैं कौन कौन से लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रीनोरशिप कह लो आप इनको आप कितना कितना रिटर्न दे रहे हो वो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बेसिकली आपके सिलेबस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और उनका क्लासिफिकेशन है बट उनका ये डिटेल्ड स्टडीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडीज़ उसकी नहीं है एक बेसिक क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उतना मैंने आपको बता दिया इन ऑवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल एंड वी विल डिस्कस द मींस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन वेरियस बेसिस वेल्थ के बेसिस पर स्केरसिटी के बेसिस पर ठीक है और आगे ग्रोथ के बेसिस पर इन सारे बेसिस पर इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन जो वेरियस फेमस इकोनॉमिस्ट के थ्रू दी हुई है उनको हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में दैट्स ऑल फॉर टू क्लास यू हैव टू मेक नोट्स एंड टू होमवर्क इज टू क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच वंस अगेन आई एम रिपीटिंग क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच और ये क्लासीफाई जो मैंने बोला है इसमें आपको सारे टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख कर और उसकी एक शॉर्ट इंटरव भी देनी होगी कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कंजम्पशन का मतलब क्या होता है जो कि आज के क्लास uh, में हमने डिस्कस किया है आई एम एन क्लोजिंग माई पी डी एफ ऑल्सो विद दिस क्लास थैंक यू एंड हैव एन आई स्टे